हर हर महादेव। श्रीधर पंडित जी हैं दिल्ली से, उनका प्रश्न है कि महाराज जी मन कैसे शुद्ध हो, मन कैसे सत्कर्म में लगे। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। देखिए तो मन शुद्ध करने के लिए मानसिक कृत्यों की आवश्यकता है। जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए ये जो भौतिक तीर्थ हैं, गंगा इत्यादि नदी में, गंगा जी में है ना, ये जो त्रिवेणी में, कावेरी में, पुष्कर में, कुरुक्षेत्र में, ये जो तीर्थ हैं, सागर संगम में, तो वहाँ जा करके स्नान होता है, तीर्थों का सेवन, तो शरीर पवित्र होता है। इसी तरीके से अगर वाणी को शुद्ध करना है, शरीर को शुद्ध करना है, तो शारीरिक तीर्थ सेवन, और अगर वाणी को शुद्ध करना है तो भगवान नाम जप, वेद का पाठ, अपने अधिकारानुसार गायत्री का जप, और फिर भगवान नाम का जप, जिह्वा पवित्र हो जाती है, वाणी पवित्र हो जाती है। तो इसी तरीके से मन को शुद्ध करने के लिए मानस तीर्थों का सेवन, ध्यान दीजिएगा, मन को यदि पवित्र करना है तो मानस तीर्थों का सेवन करना चाहिए। तो मानस तीर्थ कौन से हैं, देखिए वाचस्पति में अगस्ती का वचन है, आनिक सूत्रावली में लिखा हुआ है कि सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह सर्वभूतादया तीर्थम सर्वभूत दया तीर्थम सर्वत्र आर्जवमेव च दानम तीर्थम क्षम दमस तीर्थम संतोषस तीर्थमुच्यते ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम तीर्थम च प्रियवादिता यज्ञानम तीर्थम धृतिस तीर्थम पुण्यम तीर्थमुदाहृतम और तीर्थानाम अपि तत्तीर्थम विशुद्धि विशुद्धिर मनसः तथा एतत्ते कथितम देवी मानसम तीर्थ लक्षणम। तो सत्य बोलना, ये जो आचरण है इनसे मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र हो जाएगा तो सत्कर्म में प्रवृत्त होगा, आप जो कहेंगे वो करेगा, सन्मार्ग में लगेगा, कल्याणकारी चिंतन करेगा। तो सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, सत्य का अनुसरण करना, क्षमा करना, तीर्थ इंद्रिय निग्रह इंद्रियों का निग्रह करना, ये भी तीर्थ है, और सर्वभूत दया तीर्थम जीव मात्र पर दया करना, ये बहुत बड़ा तीर्थ है। सर्वत्र आर्जवमेव च, सभी जगह कुटिलता रहित व्यवहार करना, सज्जनता का व्यवहार करना, सीधा व्यवहार करना। दानम तीर्थम दमस तीर्थम, दान करना, दमन करना, मन की चंचलता का दमन करना, मन में संकल्प विकल्प जो उठते हैं उनका दमन करना, और बार बार उनको पूरित न करके भगवान के चरणों में, भगवत सेवा में, भगवत स्मरण में लगाना। संतोषस तीर्थमुच्यते, और संतोष यथा लाभ संतोष, जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रखना, ये भी बहुत बड़ा तीर्थ है। ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, ब्रह्मचर्य का पालन करना परम तीर्थ है। और तीर्थन के प्रियवादिता और प्रिय वचन, जो दूसरों के हितकर हो ऐसे वचन, प्रिय वचन, ये ही तीर्थ है। ज्ञानम तीर्थम, शास्त्रों का ज्ञान करना, सर्वत भगवत बुद्धि देखना, सर्वत्र इष्ट देव का दर्शन करना, ये जो है सबसे बड़ा तीर्थ है। धृतिस तीर्थम है ना, तितिक्षा भी तीर्थ है। पुण्यम तीर्थम उदाहृतम, और सत्कर्म जितने बतलाए गए हैं शास्त्रों में उनका उनका पालन करना, ये भी तीर्थ है। और तीर्थानाम अपि तत्तीर्थम विशुद्धिर मनसा तथा, ये जितने गिनाए गए सत्य आदि तीर्थ जिनकी व्याख्या भी मैं कर रहा हूं, ये भौतिक तीर्थों के भी तीर्थ हैं। भौतिक तीर्थों को भी पवित्र बनाने वाले, भूतल पे और जो गंगा आदि तीर्थ हैं उनको भी पवित्र कर देने वाले तीर्थ हैं। तीर्थानाम अपि तत्तीर्थम, जो कि मन को शुद्ध करने वाले हैं,
एतत्ते कथितम देव मानसम तीर्थ लक्षणम, ये मानस तीर्थ है। तो मानस तीर्थों का पालन करना जिसमें बतलाए गए हैं, इनसे मन शुद्ध होता है। इनके अलावा ए तस्माद परम किंचन मन शुद्धि न विद्यते, इन साधनों के अलावा भगवत कथा स्मरण आदि के अलावा मन को शुद्ध करने वाला कोई उपाय नहीं है। तो मन को शुद्ध करना है तो मनमानी नहीं करना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये मन है क्या है पता है, ये मन आपका शत्रु है और आपने इसको स्वामी बना लिया है। आप वो करते हो जो मन कहता है, आपका ये दास है, शत्रु है, जन्म जन्मांतर से यही आपको भटका रहा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर निर्विषयम मनः। अगर ये मन विषयों में आसक्त हो जाता है तो ये ही मन बंधाय बंधन के लिए हो जाता, बंधन कर देता है। और मुक्तैर निर्विषयम मनः, अगर ये मुक्त विषयों को छोड़ देता है तो वह मुक्ति के लिए कार्य करता है। इसलिए इस मन को आप जो कहें वो यदि मन करता है तो मन आपके निग्रह में है। और मन ने कहा वहां जाना है, मन ने कहा हमारे मन में आया था ऐसा कर लो, हमारे मन ने ऐसा कहा था इसलिए कर लिया, तो वो तो मन के आप गुलाम बन गए, माने कि शत्रु के बंधन में है। शत्रु तो आपको पता नहीं कराएगा, इसलिए मन की बात नहीं माननी है। तो ये जो मन है ना, तो मन की बहुत दिन तक बात न मानी जाए तो मन समझ जाता है, वो समझ लेता है कि अब हमारी यह चलने वाली दाल गलने वाली नहीं है, तो वो फिर संकल्प विकल्प नहीं करता है इतने कि ये चाहिए ये चाहिए, फिर आप जो कहेंगे वो ही करेगा। धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने मन को निग्रह करने के लिए कारण बतलाया है। बोले कई लोग, उन्होंने प्रश्न लिखा है कि कई लोग हमको कहते हैं कि महाराज वैसे तो मन शांत रहता ही है, लेकिन जब हम चंचल ही है सामान्य रूप से, लेकिन जब कोई जप तप करते हैं तो और ज़्यादा चंचलता बढ़ जाती है, और ज़्यादा चंचल करता है। वैसे तो कभी ठहर भी जाता है, लेकिन जब करने बैठे हैं कुछ करने बैठे तो जाने कहाँ कहाँ की याद आती है, और ठाकुर जी का इष्ट देवता का सचिंतन नहीं होता है। तो स्वामी जी ने उनको बतलाया, स्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं जप को छोड़ना नहीं, जप कार्य कर रहा है, ये जो आप जप कर रहे हैं पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं तो इसी से तो ये जो है मन प्रचलित तो हो रहा है, तो इसका मतलब जप कार्य कर, जप करने से कुछ हो रहा है ना, तो जप कार्य कर रहा है। तो बोले ये क्या कार्य कर रहा है और चंचलता बढ़ा रहा है, बोले बढ़ा नहीं रहा है। देखिए संसार में जितने जीव हैं उन जीवों में सबसे ज्यादा चंचल कौन है, बानर है ना, बंदर ढंग से बैठता नहीं है। आपको देखना हो तो कभी वृंदावन में आकर के देख जाइएगा बानरों की चंचलता। तो ऐसा बानर भी कभी कथनचित डाली पर बैठ ही जाता है, सामान्य रूप से बैठ जाता है चंचलता छोड़ करके, लेकिन उस बानर को यदि कोई पकड़ने लग जाए तो फिर देखिए उसकी चंचलता। दो चार लड़के मिलकर के उस बानर को छेड़ दो, पकड़ने की कोशिश करिए, लेकिन फिर वो पकड़ में नहीं आएगा, उसकी चंचलता बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे बानर को भी गुनी लोग ले जा करके उसे एक बहुत भगा करके थका करके एक वृक्ष की टहनी पर, और वहां से जब कूदने का उसका कोई साधन नहीं बचता है तो जैसे तैसे भी पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके फिर वो नाच नचाते हैं उसको कि वो कहते हैं चलो ससुराल, तो बंदर जो है ससुराल जाता है। बैठ जाओ तो बैठ जाओ, गोली चला के दिखाओ, लेट के बतलाओ, सब कार्य करता। माने वो जो चंचल प्रवृत्ति का बानर भी एक दिन कंट्रोल में आ गया, नियंत्रण में आ गया, अब वो जो कहता है वो करता है। इसी प्रकार मन हमारा जन्म जन्मांतर का भटका हुआ कितना ये जो है चलायमान चंचल प्रवृत्ति का है, लेकिन जब हमने उसको अब जब किया माने छेड़ दिया, क्योंकि अब मन को आप पकड़ना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, तो मन अब जो है चंचल हो गया उस बानर की तरह और भागने लग गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब को बंद नहीं करना, जब करते करते उसकी बात न मान करके उसके विपरीत सब कार्य, वो कहता नहीं अब तो जब रहने दो, नहीं नहीं और करेंगे और करेंगे, और जब वो थक जाता है तो फिर योगियों के बस में आ जाता है, फिर वे कहते हैं वो मन करता है, तो ये अंतर हो जाता। अभी तो हम लोग जो वो करते जो वो मन कहता है, परंतु होना ये चाहिए धीरे धीरे जब करके साधना करते करते
और फिर उसको मन को अपने केंद्रित कर लीजिएगा, अपने बस में कर लीजिएगा, उसकी बातों को मत मानिए और फिर आप जो कहेंगे मन वो कहेगा। करे मनीराम चलिए जप करिए तो वो जप करेगा, चलिए पाठ करिए तो पाठ करेगा, अभी तो वो कहता है कि चलिए वहाँ चलिए यहाँ तो वहाँ भटक रहे हैं। तो इसलिए हे तस्माद परम किंचन मन शुद्ध न विद्यते, इसके अलावा इन साधनों के अलावा जप तप नियम आसन प्राणायाम नित्य ध्यासन के अलावा सदभेर ये जो है साधन सपत्नों को जीतने के बिना तथा अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बिना ये सब हो ही नहीं सकता। चाहे कोई कहे, तुलसीदास जी कहे थे, कोई कहेगा अरे हमने तो जो धूली को कोलू में डाल करके घी निकाल लिया तेल निकाल लिया, ऐसा हो सकता? कोई कहे कि हमने तो जो है पानी को मथ करके और घी निकाल लिया, ऐसा भी हो सकता है? और परंतु कोई चाहे कि बिना भगवत भक्ति के, बिना सत कर्मों के, बिना ये जो मानस तीर्थ बतलाए गए सत्य इत्यादि का सेवन किए बिना, बिना धर्म का पालन किए कोई चाहे कि हमारा कल्याण हो जाए, ये कदापि नहीं हो सकता। बारी मथें घृत होय बरु, बारी मथें घृत होय बरु, सिकिताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। ये सिद्धांत कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर मन को शुद्ध करना है तो सत्कर्म आचरण करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये नहीं होगा। हर हर महादेव।